नमस्कार सुमंद्र, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज डालते हैं ताजा खबरों को फटाफट अंदाज में। झांसी में यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले बुढ़िया गांव में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जहां समस्याओं को लेकर किसानों ने अधिकारियों पर जमकर हमला बोला और लापरवाह अधिकारियों को आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार के कलियर में सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ शानदार स्वागत किया और जोरदार नारे लगाए। इस दौरान हज समिति सदस्य राफ काले खान ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। और ये में बदमाशों ने शराफा व्यापारी के साथ तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब शराफा व्यापारी दुकान बंद कर अपना घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को तमंचा दिखाकर लूट की। गोंडा के डेहराम रोड चांदपुर में धड़ल्ले से अवैध मेडिकल क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। आरोप है कि इन मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं और ये सब स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से किया जा रहा है। आलम यह है कि इन मेडिकल स्टोर्स पर कभी कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है। सीतापुर में मच्छरों से निजात पाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने खंड विकास कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस बारे में चांदपुर फरीदपुर के ग्राम सचिव ने कहा कि जल्द ही मशीन द्वारा दवा का छिड़काव कर दिया जाएगा। और यह दिल झंझोर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 4 साल पहले मध्य प्रदेश से एक नाबालिग का अपहरण कर उसे औरैया में एक युवक को बेच दिया गया था, जिसके बाद युवक ने नाबालिग से शादी कर ली। लेकिन इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। हरदोई के संडीला में हमारे आंगन हमार बच्चा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अलका अर्कवंशी ने शिरकत की। विधायक ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में गुरु गोविंद सिंह की साहबजादे और माता गुर्जर कौर की याद में प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से निकाली गई इस प्रभात फेरी में साहबजादे की शहादत को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। हरदोई के संडीला इलाके में इराक अहमद के घर में आग लग गई। पीड़ित ने सीओ संडीला को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि युवती सहित गांव के ही 2 लोगों ने दिन दहाड़े उनके गांव में आग लगा दी। इससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गुना में रामलीला शोभा यात्रा निकाली गई जहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई और 2 पक्षों में कहासुनी के बाद बवाल मच गया। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। झांसी में पुलिस ने 2 ऐसे छात्र लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है जो गैंग बनाकर ग्रामीण इलाकों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और देहात की सुनसान सड़कों में निकलने वाले लोगों को तमंचे के बल पर निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की 100 करोड़ की जमीन कुर्क कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ में बहू के नाम पर एक बंगले को भी कुर्क किया गया था। बता दें दुष्कर्म के मामले में पिता और पुत्र जेल में बंद है। राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में अचानक सड़क धस गई और करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई। बरेली के बारादरी इलाके में सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए धमाके के बाद लाखों का नुकसान हो गया। वहीं धमाके के बाद पूरे घर में दरारें देखी गई। मुरादाबाद में लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। आबकारी विभाग की ये कामयाबी उस वक्त मिली जब दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चेकिंग की गई। इस दौरान वाहन से शराब की खेप बरामद की गई। कोरोना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोविड दुनिया के अन्य देशों में तेजी से बढ़ रहा है, विदेश से यात्री भी आ रहे हैं, मगर हम तैयार हैं। हम सभी यात्रियों की जांच कराएंगे और पॉजिटिव आने पर उन्हें आइसोलेट करेंगे, इसके साथ उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएंगे। लखनऊ के लोहिया संस्थान में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते कर्मियों के रहने और खाने में दिक्कतें आ गई हैं। वहीं मकान का किराया नहीं देने पर एक सुरक्षाकर्मी को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी सर्दी में फर्श पर लेटने को मजबूर है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, जहां कटरीना ने अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। फोटो में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोनों टीमों के बीच 15 साल के बाद टेस्ट मैच खेला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरियन सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच मेजबानी के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनौपचारिक पूछताछ की है। नए साल से पहले सोने की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। हालांकि चांदी की कीमत में पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन सोने की कीमत पिछले रिकॉर्ड लेवल से अभी दूर है। फिलहाल बस इतना ही। रेशम दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें आई भारत।